नमस्कार, मैं भूषण, आप देख रहे हैं न्यूज 9X। आज 8 मई 2020 है। 8 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है। पूरे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 52,952 हो गई है। इसमें 1,783 को अब तक मौत भी हो गई है, हालांकि इसमें से 15,263 ठीक भी हुए हैं। इस बीच 35,902 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश के 4 राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों में अन्य राज्यों से कोरोना संक्रमित की मौत का आंकड़ा भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में अब तक 651 जाने गई है। आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 396, मध्य प्रदेश में 185 तथा पश्चिम बंगाल में 144 मौत दर्ज की गई है। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 549 हो गई है। बता दें कि बिहार बंगाल की सीमा से सटे बिहार के किशनगंज में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहां एक संक्रमित पाया गया है। बिहार में अब तक कहां कितने मरीज मिले हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे पहले यह बता दें कि बिहार में कुल संक्रमितों में से 218 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सिर्फ 24 घंटे में 30 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। बिहार में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हो गई। एक दिन पूर्व सासाराम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जांच रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं अब हम बिहार के कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुंगेर चलते हैं। मुंगेर में 102 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, उसमें एक की मौत हो गई है, लेकिन 38 रिकवर भी हो गए हैं। बक्सर में 56 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 19 रिकवर हो गए हैं। रोहतास में 54 लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो एक की मौत हुई है और 22 लोग रिकवर भी हुए हैं। उसी तरह पटना में 46 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 18 लोग रिकवर भी हुए हैं। नालंदा में 36 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ, जिसमें 30 रिकवर हो गए हैं। वहां मात्र 6 का इलाज चल रहा है। सीवान में 32 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 25 रिकवर हो गए हैं। कैमूर में भी 32 ही संक्रमित हुए हैं, लेकिन 16 रिकवर हो गए हैं। चलिए मधुबनी की ओर। मधुबनी में 24 लोगों का अब तक संक्रमण होने की बात सामने आई है, लेकिन रिकवरी की वहां से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। गोपालगंज में 18 लोग संक्रमित हुए हैं, तो 3 रिकवर भी हुए हैं। भोजपुर में 18 लोग संक्रमित हुए हैं, तो 10 रिकवर हो गए हैं। उसी तरह बेगूसराय में 13 लोग संक्रमित हुए हैं और 8 रिकवर हुए हैं। औरंगाबाद में 14 लोग संक्रमित हुए तो 6 रिकवर हुए हैं। भागलपुर के 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 3 को रिकवर कर लिया गया है। वेस्ट चंपारण में 11 लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन वहां से रिकवरी की कोई खबर अभी नहीं आई है। ईस्ट चंपारण में 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं और एक की मौत हो गई है। सारण में 8 संक्रमित हैं तो 3 रिकवर हुए हैं। गया में 6 लोग संक्रमित पाए गए, 6 और सभी रिकवर हो गए हैं। गया में 6 लोग संक्रमित पाए गए, सभी रिकवर हो गए हैं। सीतामढ़ी में 6 लोग संक्रमित पाए गए, इसमें एक की मौत हो गई है और एक रिकवर हुए हैं। दरभंगा में 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन वहां से अभी तक रिकवरी की कोई खबर नहीं है। इसी तरह कटिहार में 10 लोग संक्रमित पाए गए, लेकिन वहां से भी रिकवरी की कोई खबर नहीं है। अरवल में 5 लोग संक्रमित हुए हैं, एक मात्र रिकवर हुए हैं। लखीसराय में 5 लोग संक्रमित हुए हैं, 2 रिकवर भी हो गए हैं। बांका में 3 के संक्रमित होने की खबर है, लेकिन रिकवरी की खबर नहीं है। जहानाबाद में 5 लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन वहां से भी रिकवरी की कोई खबर नहीं है। वैशाली में 3 संक्रमित हुए हैं तो 2 ठीक हो गए हैं। मधेपुरा में 2 संक्रमित हैं तो दोनों रिकवर हो गए हैं। पूर्णिया में 2 लोग संक्रमित अभी तक हुए हैं, लेकिन अभी तक रिकवरी की कोई खबर नहीं है। उसी तरह शेखपुरा में 1, अररिया में 2 संक्रमित हैं, उनके रिकवरी की कोई खबर नहीं है। शिवहर में 3 संक्रमित पाए गए हैं, रिकवरी की कोई खबर नहीं है। समस्तीपुर में 1 रिकवरी की, वहां भी कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में कुल संक्रमित के कन्फर्म मामले 549 हैं। 7 मई को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में 95 लोगों का कोरोना स्क्रीनिंग किया गया। इसमें से 48 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। भागलपुर में स्क्रीनिंग का काम तेजी से चल रहा है। अररिया के 759 छात्र महाराष्ट्र से अररिया पहुंचे। सभी छात्र स्पेशल ट्रेन से अररिया पहुंचे हैं, वहां उनका स्क्रीनिंग किया गया। इसके बाद उन्हें गृह प्रखंड मुख्यालय भेजा गया। इन्हें होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहा कि
इस बार परिस्थितियां अलग हैं। दुनिया मुश्किल के वक्त से गुजर रही है। आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी को मदद कर रहा है। कोरोना के बढ़ते परिणाम को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और बिन मौसम के बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान यथाशीघ्र मिले। बिहार के पूर्व मंत्री सह जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कर्णेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटिहार जिले की समस्या से अवगत कराया और इस विषम परिस्थिति में 3 माह तक बिजली माफ किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने किसानों के हित को भी रखा। उन्होंने कहा, मक्का के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, अभी कीमत काफी गिर गई है। अब चलिए कटिहार जिले के 9 हादसा के बारे में जानते हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला में कोसी नदी में आंधी पानी की चपेट में 2 नाव पलट गई। इस हादसे में 6 लोग नदी तैरकर किनारे लग गए, लेकिन 7 का आता पता नहीं चला। सूचना मिलते ही बराड़ी के विधायक नीरज कुमार यादव ने कटिहार के डीएम को फोन किया और अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक नीरज ने बताया कि लापता लोगों की खोज के लिए गोताखोर लगाए गए हैं। भागलपुर के मौलनाचक में गांजा पीने को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि एक ने चाकू चला दिया। चाकूबाजी में आसिफ और महताब घायल हैं, दोनों भाई हैं। आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गया है। बेगूसराय जिले में 20 लीटर देशी शराब के साथ फुलवरिया पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल भेज दिया गया है। उसका एक साथी फरार हो गया। गया में मनसा बिघा बालू घाट से अवैध बालू उठाव मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने बताया कि नामजद की गिरफ्तारी होगी। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इसमें कितने लोग संलिप्त हैं। हमारे कटिहार प्रतिनिधि प्रवीण झा ने खबर दी है कि कुर्सेला थाना के गोबराही दियरा के एक युवक गौतम कुमार को किसी ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। आरोप उसके दोस्त पर ही लगा है, उसका इलाज चल रहा है। इधर कटिहार जिले के बलरामपुर पंचायत के एक मजदूर की दर्दनाक मौत कानकी के पास ट्रेन से कुचलकर हो गई। उसका नाम गोपाल ऋषि बताया गया। यह भी बताया गया कि वह काफ़ी गरीब था, वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। गोपाल नेपाल में मजदूरी करता था। 1 महीने से नेपाल में लॉकडाउन था। जब परेशानी बढ़ गई तो नेपाल से रेलवे पटरी के सहारे घर आ रहा था। उसके साथ बिहार के और भी मजदूर थे। कानकी के पास अचानक एक मालगाड़ी आ गई। गोपाल की मौत उसी ट्रेन की चपेट में हो गई। इस बीच उसके सभी साथी उसे छोड़कर फरार हो गए। हमारे कमेंट बॉक्स पर आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट किया है। छातापुर के मोहम्मद मिन्नत ने जानना चाहा है कि ट्रेन कब खुलेगी, वह हिमाचल प्रदेश में है। केरल से मोहम्मद अनवार आलम ने भी यही सवाल पूछा है। सूरत से बिहार के लिए ट्रेन के बारे में बांका जिला के बबलू कुमार, सुमित्रा कुमारी और रंजन कुमार ने किया है। जम्मू में लॉकडाउन राजकिशोर तिवारी ने भी यही सवाल पूछा है कि बिहार के लिए ट्रेन कब होगी। पटना के अर्जुन सिन्हा ने फोन पर पूछा है कि बंगलोर से ट्रेन कब चलेगी। वे बंगलोर इलाज कराने पहुंचे थे और वहीं लॉकडाउन हो गए। अररिया जिला के फैयाज आलम उत्तर प्रदेश के बोरोना में फंस गए हैं। वे वहां जेसीबी चलाते हैं। लॉकडाउन में उसे घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वे पूछ रहे हैं कि ट्रेन कब चलेगी। हरियाणा से राहुल कुमार, दिल्ली से समस्तीपुर के दिलीप कुमार, दिल्ली से सहरसा के ललित यादव ने भी घर लौटने की चिंता जताई है और ट्रेन के बारे में पूछा है। दिव्या झा ने लिखा है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, लॉकडाउन में ट्रेन बंद है। मेरा स्कूल दूसरे जिला में है, मेरे पास कोई दूसरा व्हीकल नहीं है, मैं रेगुलर स्कूल कैसे जाऊँ। मोतिहारी का हरिशंकर सहनी ने लिखा है कि वे सिलीगुड़ी में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। बलराम प्रसाद ने लिखा है कि 10 लोगों के साथ नैनीताल में लॉकडाउन हो गए हैं। अर्जुन कुमार के फेसबुक अकाउंट से उपेंद्र यादव ने राजस्थान में 60 आदमी के साथ लॉकडाउन में फंस जाने की बात लिखा है। खगड़िया जिला के दिवाकर कुमार ने लिखा है कि पंजाब में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार हरियाणा से विनोद कुमार ने मधेपुरा लौटने तो अररिया के मोहम्मद मुर्शीद ने गाजियाबाद से घर लौटने की चिंता जताई है। छपरा के रामनवमी मांझी ने लिखा है कि पुणे से गाड़ी कब चलेगी। मुंगेर के पप्पू आलम अंसारी ने लिखा है कि वे मुंबई के वाशी में फंसे हुए हैं, ट्रेन कब चलेगी बता दीजिए। बेगूसराय के मोहम्मद अमन अपने साथियों के साथ दिल्ली में फंसे हुए हैं, घर आने के लिए बेताब हो रहे हैं, कोई साधन नहीं है। बंगलोर से योगेश्वर कुमार ने लिखा है कि रोहतास जाने के लिए
ट्रेन कब चलेगी। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं। सभी की एक ही मांग है, घर लौटाया जाए। हम अपने सभी शुभचिंतकों से कहना चाहते हैं कि सरकार व्यवस्था कर रही है, आप आशावान बने रहिए, आपकी भी बारी जरूर आएगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।